मुंबई 1980, सड़कों पर खोले आम खून खराबा होने लगा, गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com। मैं ना भूलूंगी। ये क्या हो रहा है? आपने समायरा पर हाथ क्यों उठाया? समायरा तो आपकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, फिर उनके साथ ऐसा सुलूक? मधु मैम, क्या उस दिन आपके म्यूजिक लॉन्च पर समायरा के साथ हुआ उस वार्डरोब माल फंक्शंस की वजह से? सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम इस वक्त? तुमसे मिलने आई हूँ। जब से मैंने तुम्हें होटल के प्लान के बारे में बताया, तुमने मुझसे एक बार बात तक नहीं की, तो सोचा तुमसे आके खुद ही मिल लूं। अब तक नाराज हो मुझसे? मेरा जितना ही समझाया तुमने मुझे, क्या लगता है तुम्हें उस होटल में जाके मैंने ऐसा कुछ किया होगा जो मुझे नहीं करना चाहिए? इतना ही भरोसा है मुझ पर? जब जब आदतें मेरे पास आता है, मुझे छूता है, बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। वो एक एक पल मुझे याद है जब समीर बन के उसने मेरे साथ इतना बड़ा फरेब किया। उसके वो झूठे वादे, वो झूठी बातें भुला नहीं पाई हूं। अपने आप को उसे सौंप दिया और बदले में उसने मुझे क्या दिया? धोखा। उसी धोखे का सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, जो इस वक्त मेरे खेल में सबसे अहम चाल है, मधु और आदित्य को एक दूसरे से अलग करना। आदित्य और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। मधु को आज तक इस बात का शक था, लेकिन आज आदित्य और मुझे साथ देखकर मधु का शक यकीन में बदल गया, और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। क्या? मधु आदित्य को डिवोर्स दे रही है। आदित्य तो मजबूरन मधु को डिवोर्स नहीं दे सकता, लेकिन अब मधु आदित्य को डिवोर्स देगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है नीरज। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आदित्य जगन्नाथ का बस वही हाल होने वाला है। जब मधु आदित्य को छोड़ देगी और आदित्य मेरे पास आएगा, तब मैं उसे समझाऊंगी कि औरत को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जब भी मधु के चेहरे को देखता हूं ना, तो उसमें मुझे अपना ही हारा हुआ चेहरा नजर आता है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या कमी रह गई उसकी परवरिश में। ऐसा क्या गलत किया मैंने जिसकी वजह से ये नतीजा देखना पड़ रहा है? देखिए, आप इस बात के लिए अपने आप को दोषी में बिल्कुल मत ठहराइए। मधु एक बिन मां की बच्ची है। हाँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं उसे एक सगी माँ की तरह प्यार दूँ, लेकिन आखिर अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है ना। इसी की कमी शायद खलती होगी उसे, और इसी वजह से शायद। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनैना, अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है, और शायद इसी वजह से मधु ने मुझे कभी माफ नहीं किया। उसकी माँ की जगह मैंने तुम्हें दे दी, उसने तुम्हें माँ का दर्जा कभी दिया ही नहीं। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है, लेकिन मैं सच बताती हूँ, मैंने इस बात के लिए कभी बुरा नहीं माना, और मैं चाहती हूँ कि आप भी बुरा मत मानिएगा। मधु हमारी बच्ची है, अगर बच्चों की गलती को हम माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, बताइए।
हाँ, लेकिन ये गलतियां हद से ज्यादा ना बढ़े उसका ख्याल भी तो माँ बाप को ही रखना पड़ता है। आज मधु की वजह से घर में प्रॉब्लम हो गई, कल बिजनेस पर भी असर हो सकता है, क्योंकि मधु कंपनी के MD है। अगर मधु ने अपना रवैया नहीं सुधारा ना सुने ना, तो मुझे कुछ अहम फैसले लेने पड़ेंगे। मतलब ये कि मैं मधु को MD की पोजीशन से निकाल दूंगा, इससे पहले कि बिजनेस पर ज्यादा नुकसान पड़े जय को MD बना दूंगा। ऐसा करने की क्या जरूरत है? इसकी वजह से तो मधु और भी। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। शिखा बेटा, तू ठीक तो है ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मम्मी आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? बिल्कुल ठीक हूं मैं। तू वहां क्या कर रही थी, उस होटल के कमरे में? तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की बेटा? तुझे पता है न्यूज वाले तेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे? आपको अपनी बेटी पे भरोसा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको या पापा को शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, मैं होटल गई थी, लेकिन वो मेरे प्लान का हिस्सा था और कुछ नहीं। मैं आपके दिए संस्कार कैसे भूल सकती हूँ मम्मी? मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसको करके मैं आपसे नजरें ना मिला पाऊं। मधु का पुराना रवैया देखकर डैड फिर से परेशान होने लगे, और देखना मधु के हाथ एक और गलती होते ही डैड उसे कैसे लाइन पर ले आएंगे। घर से भले ही ना निकाले, लेकिन MD की पोस्ट से तो जरूर निकाल देंगे, और फिर मैं बनूंगा जगन्नाथ ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक बार बिजनेस की बागडोर मेरे हाथ में आ गई तो मधु और आदित्य को इस बिजनेस से ही नहीं, इस घर से कैसे निकालना है वो मैं देख लूंगा। कुछ नहीं देख पाओगे तुम दोनों। बस बैठे बैठे सपने देखते रहोगे जिस तरह अब देख रहे हो। MD बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो जाए, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम मेरे अंडर ही काम करोगे। ज्यादा पर मत फैलाओ, किसी दिन काटनी पड़े ना तो रही सड़ी उड़ान भी नहीं भर पाओगे। और रही बात डैड की, तो उन्हें मुझसे बेहतर इस घर में और कोई नहीं जानता। आज उनका मूड कैसा भी हो, लेकिन वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और मुझे दोबारा इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। So please, मेरी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। गॉट इट? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, एक ऐसा सरप्राइज जो शायद तुम्हें कभी पहले किसी ने ना दिया, लेकिन वो क्या है वो तुम्हें कल शाम को ही पता चलेगा। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, मेरा बदला मेरी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो बात अभी तक परेशान कर रही है तुम्हें? क्यों उस रात शिखा आदित्य के पास गई क्यों, और वो भी तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद?
घबराओ मत, मैं तुम्हारा ही एक रूप हूं जो सिर्फ सच बोलता है, जिसे हमेशा तुमने अपने अंदर दबा के रखा है। मतलब तुम शिखा को जाकर अपने दिल की बात बता के नहीं देते? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम शिखा से प्यार करते हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? देखो मुझे और साफ साफ खुल के बोलो कि तुम शिखा से प्यार नहीं करते। बोलो नीरज, कहो कि तुम शिखा से प्यार नहीं करते। अगर ये सच है तो इतना सोच क्यों रहे? कह दो कि तुम शिखा से प्यार नहीं करते। मजबूरी है मेरी, मैं उसे प्यार नहीं कर सकता। वो यहां एक मकसद के लिए आई है। मैं ये प्यार मोहब्बत की बातें करके उसके लक्ष्य के बीच में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा प्यार उसके लिए कमजोरी है? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो नीरज, क्योंकि सच्चा प्यार कभी कमजोरी नहीं बल्कि हमेशा ताकत बनता है। बेकार की बातें मत करो। जब वक्त और मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे तब मुझे कहना कि बेकार की बातें मैं कर रहा था या तुम। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए जाओ आकर शिकायत। मुझसे बहुत प्यार करते हो, आज नहीं करोगे तो कल को बहुत पछताना पड़ेगा। बस ये कहने आया था मैं तुमसे। नहीं कर सकता, यह सब ठीक नहीं है। क्या हुआ डैड? अब मधु दीदी को लेकर अब तक परेशान लग रहे हो? डैड, क्या हुआ मधु? अपनी गलती का एहसास। डैड, समायरा के साथ कल जो कुछ भी हुआ, प्रेस मीडिया तमाशा, वो सब मैं नहीं करवाया था। पब्लिसिटी के लिए। What? डैड, मुझे लगा कि भले ही गलत तरीके से हुई हो लेकिन पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है ना, और उससे तो हमारा ही फायदा। और हुआ भी है डैड, हमारे कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस मार्केट में ऑलरेडी बढ़ गए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया? नहीं डैड, मैं यहां आपको हमारे कंपनी के शेयर प्राइसेस बताने नहीं आई, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगने आई हूं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा आपको मेरी वजह से मिस्टर सेठ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। मैं अपनी गलती की माफी मांगने आई हूं डैड, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए कि मैं फिर से वही पुरानी बिगड़ी हुई सेल्फिश मधुरिमा बन जाऊंगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा डैड। ट्रस्ट मी डैड प्लीज। I'm sorry to say this, Madhu Didi, but आपने पहले कई बार इनका भरोसा तोड़ा हुआ है। इस बार की क्या गारंटी है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं? I promise you, मैं आज के बाद आपके दिल को कभी चोट नहीं पहुंचा। आपको कभी निराश नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस डैड। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आप अगर तुम्हें लगता है कि तुमने वाकई गलती की है, माफी मुझसे नहीं, आदित्य और समायरा से मांगो। मैं मांगूंगी। झीले का डर तो मधु ने आसमान सर पर उठा लिया था और आज सर झुकाकर माफी मांग रही है। इसका बर्ताव कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है। सुनैना, जहां तक मेरा ख्याल है शादी तुम्हारी और मेरी हुई थी, डिवोर्स भी तुम्हारा और मेरा होने वाला है। तो फिर यहां किसी तीसरे की क्या जरूरत है? मधु, आदित्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ऐसे वक्त में करीबी दोस्तों का साथ रहना बहुत जरूरी होता है। तुम एक बार फिर सोच लो, ये कोई मामूली फैसला नहीं है, हम दोनों की जिंदगी का सवाल है और इसका असर सिर्फ हम दोनों पर नहीं बल्कि हमारे परिवार पर भी पड़ेगा। इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? वो भी अच्छी तरह से जानती। तुम फिक्र मत करो आदि, मैं जो कुछ भी कर रही हूं ना, बहुत सोच समझ कर रही हूं। ठीक है मैडम, तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं तुम्हें। वैसे भी हमेशा तुम्हारी बात मानी है मैंने, तो इस बात को मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा तो है नहीं। अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग भी मत करो आदित्य, बहुत हो गया। डिवोर्स पेपर्स कहने के लिए तो महज एक कागज का टुकड़ा, लेकिन दुनिया में किसी भी हथियार से कई ज्यादा असर करता। किसी के लिए बर्बादी तो किसी के लिए आजाद है। तो
वो तुम्हारा ये मायूस चेहरा देखकर मुझे साफ साफ समझ में आ रहा थी कि तुम्हें ये आजादी नहीं चाहिए। Because you love me so much, है ना? You love me ना आदि? हाँ मैडम। मुझे तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं अपनी जिद पर कैसे अड़े रह सकती? तुम मेरी हर बात मानते हो आदि। इतने सालों से तुम्हारी बीवी होने के नाते मैं तुम्हारी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती। जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।